वेलकम टू क्लास नाइन्थ वाला। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। आपको इसमें काफ़ी डिटेल में समझाया जाएगा कि आपको किस चैप्टर से क्या पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। और आप जान लो कि अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो जो भी क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका सिलेबस का प्रॉब्लम है वो 100% आज ख़त्म ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखो यार, पहला जो आपका चैप्टर है मैथ्स का है नंबर सिस्टम। पहला क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में टोटल आपको 6 एक्सरसाइज दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 तक टोटल आपको 6 एक्सरसाइज मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में नंबर सिस्टम में। तो हम लोग ये बात करेंगे इन 6 एक्सरसाइज में से हमें किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है और कौन सा एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो पहला जो आपका है एक्सरसाइज 1.2, आप अपने एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लें और इसको साथ में मार्क करते चलें। एक्सरसाइज 1.2 है जो आपका, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है पेज नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 5 किस पे? तो पेज नंबर 8 पे। इसको आप कट कर लो, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ये पेज नंबर 7 का, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, ये आपका पेज नंबर 7 का है एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, इसको भी आपको नहीं करना है। तो आप चैप्टर 1 में पहले आप इसको टिक कर लें कि एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 हमें पेज नंबर 7 का नहीं करना है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमें नहीं पढ़ना है। देन आता है एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 जो कि है आपका पेज नंबर, ये कंप्लीट एक्सरसाइज ही आपका रिमूव्ड कर दिया गया है, कंप्लीट एक्सरसाइज आपका ये रिमूव्ड कर लिया गया है। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज इसको हटा लिया गया है और साथ ही साथ एग्जांपल 1 एंड 2 पेज नंबर 18 के आपको नहीं करना है, पेज नंबर 18 के एग्जांपल 1 एंड 2 भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 का सिलेबस है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें एक्सरसाइज 1.4 नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 7 का एग्जाम्पल 3 एंड 4 नहीं करना है और पेज नंबर 18 का एग्जाम्पल 1 एंड 2। ठीक है, देन आगे बढ़ते हम लोग, अगला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलीनोमियल्स। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे दोस्त को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला जो है चैप्टर 2 है, फिर चैप्टर 3 है, देन चैप्टर 4 है, देन चैप्टर 5 है। ठीक है, तो चैप्टर 2 क्या आपका है? पॉलीनोमियल्स। देन चैप्टर 3 क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देन चैप्टर 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये आपके टोटल ये 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? तो चैप्टर 2 है पॉलीनोमियल्स, चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये ऐसे चैप्टर्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। जो कुछ भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है उन सभी को हमें पढ़ना है। इन चारों चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं है, ना तो पॉलीनोमियल्स में, ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ना ही इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में। ये ऐसे चैप्टर्स हैं, इनमें से कोई भी सिलेबस आपका, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एग्जाम्पल रिमूव नहीं हुआ है। जो कुछ भी दिया गया है सब कुछ हमें पढ़ना है एनसीईआरटी का। ठीक है, देन अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। अब यहाँ से जो चैप्टर्स हैं ये आपके बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। मेन कह लो कि आपका मेन क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स चैप्टर 6 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चैप्टर 6 आपका है ट्रायंगल्स। कौन कौन सा है चैप्टर 6? चैप्टर 6 है आपका लाइंस एंड एंगल्स, सॉरी। चैप्टर 6 क्या है? तो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, ये आपका चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में टोटल
6.1 टू 6.3 टोटल तीन एक्सरसाइज है, 6.1 है, 6.2 है एंड 6.3 है, ठीक है। तो ये छह एक्सरसाइज है आपके सिक्स चैप्टर सिक्स में, 6.1, 6.2 एंड 6.3। 6.1 में कोई चेंज नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है, नो चेंज, जो कुछ भी इसमें दिया गया है हर एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन 6.1 का करना है। सेम 6.2 में भी नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है, जो कुछ भी इसमें दिया है हमें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है 6.2 का। देन 6.3 जो आपका एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव्ड कर दिया गया है, 6.3 हमें पढ़ना ही नहीं है। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक आपके सामने है तो आप ये अपने एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 105 से लेकर के चैप्टर 6 में पेज नंबर 105 से आगे, आपको याद रखना है चैप्टर 6 में पेज नंबर 105 से आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को यह सजेशन रहेगा कि आप एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ें, अपने टीचर के द्वारा पढ़ाया जाए तो पढ़ लें। हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो तो आप इसको आप रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन नॉलेज के पर्पज से आप इसको 100% एक बार पढ़ लें। जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 या 7 क्वेश्चन हैं, उनको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल्स का सिलेबस है। देन जो अगला है चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, अगला क्या है, तो अगला है चैप्टर 7 अगला है हम लोग का चैप्टर 7 जो कि है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल्स में टोटल अपने पास 4 एक्सरसाइज होते हैं, कौन कौन से, तो 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4। जो आपका 7.1 है इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, कंप्लीट एक्सरसाइज आपको पढ़ना है कंप्लीट एग्जांपल के साथ। 7.2 में भी कोई चेंज नहीं है, जो कुछ भी दिया है सब कुछ आपको पढ़ना है और सभी एक्सरसाइज सभी एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं 7.2 के भी। सेम 7.3 में भी ऐसा ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो कुछ भी आपको यहाँ दिया गया है कंप्लीट उसको पढ़ना है सॉल्व करना है। देन 7.4 जो एक्सरसाइज है इसको रिमूव कर लिया गया, 7.4 को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर 7 में बस हमें एक यही नहीं पढ़ना है 7.4, यानी आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं चैप्टर 7 में कि पेज नंबर 129 से आगे, किसमें, चैप्टर 7 में पेज नंबर 129 से आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। किसका, तो चैप्टर 7 का पेज नंबर 129 से आगे हमें कोई भी एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। आप अपने नॉलेज के लिए इसको जरूर पढ़ें, मैं पहले भी कह रहा हूँ जो कुछ भी आपका रिमूव हुआ है उसको आप अपने नॉलेज के पर्पज से 100% एक बार पढ़ लें समझ लें, हाँ एग्जाम के समय आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। देन अगला चैप्टर है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 8 अगला है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, तो चैप्टर 8 में आपको टोटल 2 एक्सरसाइज है 8.1 एंड 8.2, इसमें कुछ भी कोई चेंज नहीं है, दोनों ही एक्सरसाइज में सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं, दोनों के दोनों में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ठीक है। यानी कह सकते हैं आपकी पूरा चैप्टर 8 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ आपके सिलेबस में है, ठीक है। देन इसी में अगला है चैप्टर 9, अब अगला चैप्टर है चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, कौन सा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। इसमें इस पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर 9 ही आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, कंप्लीट चैप्टर रिमूव्ड है, ठीक है। इसमें चैप्टर 9 को आप चाहो तो पूरा कट कर लो, इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, चैप्टर 9 आपके सिलेबस से इस बार कंप्लीटली रिमूव्ड कर दिया गया है, ठीक है। देन अगला आता है चैप्टर 10, अगला है कौन सा था अगला, चैप्टर 10 जो कि है सर्कल्स, ठीक है। चैप्टर 10 है सर्किल, इसमें क्या है कि सर्किल में हमें टोटल जो आपका एक्सरसाइज 10.3 है सर्किल का, आप मार्क कर लें कि सिर्फ इसमें एक्सरसाइज 10.3 हमें नहीं पढ़ना है, ये आपका रिमूव्ड है,
एंड 10.3 जो एक्सरसाइज है इसके पहले वाले एग्जांपल्स और 10.3 के क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ किसका, तो एक्सरसाइज 10.3 का एग्जांपल और क्वेश्चन आपको नहीं करना है चैप्टर 10 में सर्किल में, ठीक है। देन अगला आता है चैप्टर 11, अगला कौन सा है, तो यह चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, ये भी चैप्टर क्या हो गया है, तो रिमूव्ड हो गया है, यानी पूरे आपके सिलेबस से क्लास 9th में दो चैप्टर रिमूव्ड हुए हैं, कौन कौन से, तो चैप्टर 11 और चैप्टर 9, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें जो उनको कम्प्लीटली आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, इनमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, कौन कौन से, तो चैप्टर 9 और चैप्टर 11, आप इसको याद कर सकते हैं कि चैप्टर 9 और चैप्टर 11 एक ऐसे चैप्टर्स हैं, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स एंड कंस्ट्रक्शन, दो आपके एनसीईआरटी बुक के क्लास 9th के मैथमेटिक्स के ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपके सिलेबस से रिमूव्ड कर दिया गया है, ठीक है। देन अगला आता है चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला, अगला कौन सा है, तो अगला है चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला, ये आपका चैप्टर 12 जो कि है हेरोन्स फार्मूला, जो हेरोन्स फार्मूला है इसमें कोई चेंज नहीं है, चैप्टर 12 में आपको टोटल दो या तीन एक्सरसाइज दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना है, कोई एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपका रिमूव नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर 12 आपके सिलेबस में है, ठीक है। देन है चैप्टर 13, देन है चैप्टर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कौन सा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें अगर हम देखें तो 13.1, 13.5 एंड 13.6 ये तीन एक्सरसाइज आपके कंप्लीट सिलेबस से इस बार रिमूव्ड हैं, कौन कौन से, तो 13.1 ये भी रिमूव्ड है, 13.5 इसको घटा लिया गया है और 13.6, तो आप अपने बुक पे मार्क कर लें, ये इस चैप्टर में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें से आपके ये 13.1, 13.5 और 13.6 ये तीन एक्सरसाइज को कम्प्लीटली हटा लिया गया है, बाकी 13.2, 13.3, 13.4 आपके सिलेबस में है, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। देन अगला चैप्टर है स्टैटिक्स, अगला कौन सा है, तो हम लोग अगला चैप्टर है स्टैटिक्स यानी चैप्टर 14, अगला हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 14, चैप्टर 14 है जो कि है स्टैटिस्टिक्स, इसमें 14.1, 14.2, 14.3 एंड 14.4 ये आपके सिलेबस में है और 14.4 को आपके सिलेबस से रिमूव्ड कर लिया गया है, किसको, तो 14.4 को आपके सिलेबस से इस बार हटा लिया गया है, किसमें, स्टैटिक्स में से। देन अगला आता है प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 है जो कि बहुत ही इजी चैप्टर था, काफ़ी इजी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज था, किसमें, प्रोबेबिलिटी में, जो कि आपका चैप्टर 15 है, कौन सा है, चैप्टर 15, इसको कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दिया गया, लेकिन मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को एक सजेशन रहेगा कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एक्सरसाइज गिवन है, तो एक एक्सरसाइज के लिए हम इसको क्यों छोड़ें, और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपका क्लास 10th क्लास 9 मैथमेटिक्स का सिलेबस था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। थैंक यू।